ये रोड के चौड़ीकरण का कार्य पूरा जीटी रोड का देख सकते हैं आप लोग, जेसीबी द्वारा खुदाई हो रही है। साथियों, मैं सुदेश कुमार अपने चैनल खेत बनासीवन में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं इस समय खड़ा हूं मुगल सराय पड़ाव के बीच, डांडी एरिया है जो चंदासी से आगे डांडी है। तो ये जीटी रोड पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि जीटी रोड को चौड़ीकरण करने के लिए खुदाई कार्यक्रम शुरू है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जीटी रोड को चौड़ा करने के लिए खुदाई कार्यक्रम शुरू है। और यहाँ लोग जिनके घर हैं, जो घर इस सड़क के दायरे में आए हैं उनको भी तोड़ा गया है। लोग अपने आने जाने के लिए रास्ते बना रहे हैं, सीढ़ियाँ बना रहे हैं लोग। ये जब कोई रोड चौड़ीकरण होता है तो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है जनता को। यहाँ भी लोग, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ भैया लोग खुदाई कर रहे हैं। तो भैया जी, मतलब ये रोड में आ गया आपका? हाँ, रोड जा रहा है, सब टूट गया है ना। अच्छा अच्छा, और मतलब सरकारी काम हो रहा था, क्या होगा? तो कुछ मुआवजा वगैरह मिला है? नहीं मिला। तो क्या आपका जो है, आपका अपना जमीन रोड में जा रहा है कि रोड की जमीन में था आपका? सरकार की जमीन थी। अच्छा, सरकार की जमीन थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, लोगों की काफी नाराजगी है सरकार से, क्योंकि सबका भाई, जिसका भाई, जिसका बिगड़ता है। सही बात है, ये जिसका बिगड़ता है वो तो बोलेगा ही। तो लोगों का बिगड़ रहा है तो लोग बोल रहे हैं, तो काफ़ी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और सड़क के चौड़ीकरण का कार्य बहुत जोर शोर से लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब जीटी रोड जो है काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि तो पहले बहुत ही कंजस्टेड था, यातायात बहुत बाधित होता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि गाड़ियाँ जो है काफ़ी बाधित हो रही हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ जो जा रही है तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। तो ये जब चौड़ीकरण दोनों साइड आप देख सकते हैं, उस साइड पे भी मैं दोनों साइड आप लोग को दिखा सकता हूँ, चौड़ीकरण का हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है। तो साथियों, मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।